कानों में आवाज की बीमारी, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज एक आपको बताने वाला हूँ मैं एक पेशेंट की स्टडी, जिसमें एक लेडी मेरे पास में आई, उसको उसको हस्बैंड ने लाया, उम्र करीब करीब 35 साल, और कंप्लेंट यह है कि उसको कानों में आवाज सुनाई आती है और वो आवाज उसके पहचान के है, आजू बाजू वाले हैं, फ्लैट वाले हैं जो रहते लोग या घर के लोग हैं, और वो उसको बार बार बोलते रहते कि तेरा हस्बैंड तेरे से डिवोर्स लेने वाला है, तलाक लेने वाला है, और तेरा कुछ खरा नहीं है, वो जो बाजू वाली एक जो औरत है उसके साथ में शादी कर लेगा और तेरे को जोड़ने वाला है। ये बोलती मुझे तो सच्ची लगते है कि वो आवाज है करके, और बाकी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर फिर ये आवाज आती करके वो डिस्टर्ब हो जाती। फिर हस्बैंड को बोलती है कि तुम तो वो जो आवाज बोल रहे हो वो तो लोग है आजू बाजू वाले, आप तो मुझे तलाक देंगे, आप तो शादी कर लेंगे उधर उसके साथ में, इसलिए कभी कभी हस्बैंड से झगड़ा भी कर लेती है और अकेले बैठे रहती है। एक बार तो वो जो फ्लैट सिस्टम में रहते थे, वो जो लेडी के बारे में उसको आवाज आ रही थी कि वो लेडी इसके हस्बैंड के साथ में शादी कर लेगा या मतलब कर लेगी वो, तो उसके साथ में जाके वो झगड़ लिया कि तू ऐसा क्यों करती है मेरे हस्बैंड से, मतलब उसके ऊपर क्यों आंख नजर लगती रहती है तेरी, और तो ऐसा मतलब उसे झगड़ भी लिया, काफी लोग जमा हो गए और उसका कुछ भी नहीं था और वो झगड़ा फालतू का हो गया। मतलब उसको दवाई दिया मगर दवाई से कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो ये जो है ना, ये टिपिकली ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस है। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस मतलब कानों में आवाज आना और कानों में आवाज का भ्रम होना, जब आजू बाजू में सही में कुछ भी नहीं है, आजू बाजू में कोई आवाज नहीं आ रहे है ना, उसके बार बार आने वाले विचार है, उसको ऐसे विचार नहीं आ रहे, उसको एक्चुअली सुने आते आवाज, एक्चुअली आवाज सुने आते हैं और वो एकदम क्लियर है। कभी कभी उसको उसके हस्बैंड का भी आवाज सुने आता है जब वो बाहर जाता है तब, कि मैं तेरे से तलाक लेने वाला हूँ, मैं शादी करने वाला हूँ, और उसको लगता है कि ये खुद भी तो ऐसे बोल रहा है, फिर ये तो तलाक ही लेगा, मेरा क्या होगा। फिर वो कभी मायके चली जाती है, फिर वहाँ जाके रहती है, फिर बोलती वहीं गए तो अच्छा रहेगा, फिर उसको उसको मालूम है कि आवाज़ आ रही है करके, और वो उसको सच लगती है, और बाकी मगर वो नॉर्मल है, डिस्टर्ब होती है आवाज की तरफ से, मतलब आवाज की वजह से, मगर बाकी वो नॉर्मल, ना कोई अपने मन से हंसना, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया जो है उसके बाकी जो लक्षण रहते हैं कि भाई अपने मन से हंसना या कुछ बहकी बहकी बातें करना या फिर ऐसा इमोशंस एकदम ब्लंट होना या एपेथेटिक होना या खुद की केयर नहीं करना, ऐसे कोई भी लक्षण उसको नहीं, सिर्फ यही लक्षण है कि कानों में आवाज, कानों का भ्रम, मतलब जब कोई आसपास में नहीं है तब। तो ये स्पेशली हेल्यूसिनेशन है और ये मोनोसिम्टोमेटिक, मतलब एक ही सिम्टम है ये हेल्यूसिनेशन का, और एक ही तरह के हेल्यूसिनेशन है, कानों में दोनों कानों में आवाज आती है जब आसपास कोई भी नहीं है, तभी भी कानों की कोई बीमारी नहीं है। बाकी दिमाग के सब टेस्ट किए, MRI किया, सब तरह के इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड सब नॉर्मल है, उसके बावजूद भी आवाज आ रही है। उसको मैंने बोला कि भाई आपको अभी दो चॉइसेस है, एक तो अभी ये 6-8 महीने से आपको हो रहा है, आपको जल्दी तुरंत चाहिए, तुरंत इलाज करना है, अभी 8 महीने से आप सफर कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक करंट दिया तो तुरंत आपका इलाज हो जाएगा, और नहीं तो फिर आपको 3 हफ्ते या 1 महीना लगेगा, मैं आपको मेडिसिन दूंगा तो मेडिसिन से भी इसका इलाज हो जाएगा। मेडिसिन मैं अभी रेकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि आपने मेडिसिन ली हुई है और उसका आपको फायदा हुआ नहीं जितना चाहिए उतना, मगर आप तभी भी चाहते हो तो आपको मैं मेडिसिन दूंगा, और मेडिसिन देखे मतलब ट्राई करके देखो, और नहीं तो फिर अपन करंट देंगे। ECT जो है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, और वो भी लोगों पेशेंट को बेहोश कर देते हैं, बेहोश करने के बाद में उसको समझ में नहीं आता, मतलब उसको सुला देते हैं, एनिस्थेटाइज करते हैं, उसको कोई तकलीफ होती नहीं है, ना रिलेटिव्स को समझ में आता है कि कुछ दिया, ना पेशेंट को समझ में आता है, उसको करंट एकदम इतना स्वल्प मतलब अल्प प्रमाण में करंट दिया जाता है कि जस्ट उसको ट्विचिंग आ जाएंगे, क्योंकि बाकी दवाई भी दी जाती है, कोई तकलीफ नहीं, चिल्लाना नहीं, चीखना नहीं, कुछ नहीं, और पेशेंट एक 10-15 मिनट में होश में फिर से आ जाता है, उसको मालूम भी नहीं रहता कि अपने को शॉक दिया करके। तो मतलब अपन वो करेंगे और अच्छे हो जाएंगे पेशेंट। तो बोले हम तो बहुत इसमें हैं, तभी भी आप ऐसा करोगे 8-10 दिन की हमको दवा दे दो। बोले ठीक है 8-10 दिन की दवा दे दो, उसको दवा दे दिया, मेरे 10 दिन में बहुत सारा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। फिर बोले हम तैयार है, हम इलेक्ट्रिक कन्वर्सिव थेरेपी के ECT के लिए तैयार है, हम कर लेंगे। बोले ठीक है कर लो। उसको ECT दिया और वो कम्प्लीटली ठीक हो गए। मतलब बोले मेरे को अभी तो कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भ्रम था, एक्चुअली तो कुछ भी नहीं है। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया का एक प्रकार हो सकता है, हेल्यूसिनेशंस, और कम्प्लीटली नॉर्मल होते हैं। ये फंक्शनल प्रॉब्लम है, मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है ब्रेन का, फंक्शनल प्रॉब्लम है, केमिकल लोचा होता है उसकी वजह से हो सकता है, और इसको ट्रीटमेंट दिया तो पेशेंट अच्छा हो जाता है। मगर लोग क्या करते हैं कि बाहर का कुछ करेंगे, दरगाह पे जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, ये बाबा वो बाबा,
और बाद में बहुत क्रॉनिक हो जाता है, बहुत पुरानी बीमारी होती है, फिर डॉक्टर की तरफ आते हैं और बोलते हैं अभी अच्छा करो 5 दिन में हफ्ते में और नहीं तो फिर हम चले जाएंगे। मतलब ऐसा प्रेशर डॉक्टर के ऊपर डालते रहते। तो मेरा ऐसी रिक्वेस्ट है कि ये जितना भी जल्दी हो सके जितना जल्दी उतना डॉक्टर के पास में लेके जाना है, इलाज करना है, ताकि हम लोगों को नॉर्मल लाइफ में जल्दी ला सकेंगे। और जितने नॉर्मल लोग अच्छे हो जाएंगे उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हमारा जो मिशन है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपकी भी पार्टनरशिप हमारे से मिल जाएगी। तो आप जल्दी शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।